अजमेर भिनाए पधारे जैन संत मुनि महाराज का भिनाए जैन समुदाय व ग्राम वासियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भव्य जुलूस के साथ जोरदार अगुवाई में बिछाई पलक पावड़े। इस दौरान ढोल धमाके और गाजे बाजे के साथ जैन समाज व समस्त समुदाय के लोगों ने जैन संत मुनि महाराज का मंगल प्रवेश करवाया गया और भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वही भव्य जुलूस के साथ जैन मंदिर पहुंचने के बाद महाराज साहब का प्रवचन में बड़े आचार्य भगवान श्री यशो बर्मसूरी मुनि जी के द्वारा पाप और पुण्य और पुण्यात् के विषय में समझाते हुए सभी को मीराबाई की आलोक समृद्धि करुणा की और कहा कि मीरा की भक्ति देख प्रभु ने जहर को भी अमृत में बदल गया। आप अपनी सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। सत्य के पथ पर चल कर के हम सभी भगवान के अनुयायी हैं। भक्ति के चलते मानव जीवन कभी भटक नहीं सकते हैं, वह हमेशा अमर रहता है। हम सबसे पहले जैन हैं और जैन रहेंगे। वह ऐसे धर्मगुरु की बात सही और सच्ची होती है। धर्मगुरु सच कहने से भी कतराते नहीं है। जो कतराते हैं उसे धर्मगुरु करने और बनने का भी अधिकार नहीं है। और चुगली करने वाली चमची हमेशा खाली रहती है, उसे भरने का कार्य नहीं होता है। आज पूजा प्रतिष्ठा का कार्य दोनों जैनालय जैन मंदिरों में है। आयोजन कार्यक्रम में भिनाए थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा, विकास अधिकारी प्रधान साहब सरपंच, संघ से उत्तम चंद मेहता, पुखराज मंगेतर मुंगेर, संतोष सुराणा, टीकम चंद गोखरू, भूषण भाई, संजय लोढ़ा, राजेश कावड़िया, भाग सिंह छासीड़, नेमी चंद लोढ़ा, ऊसा लाल बुधराज सुराणा, अभय राज सुराणा, घेवर चंद डावरिया, नवरतन मलचेन, निहाल चंद लोढ़ा, युवा मंडल के समेश जैन, अरिहंत पीपड़ा पीपाड़ा, सिक्के पीपाड़ा, बिमल चंद, हीरा लाल कावड़िया सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी संघ के प्रवक्ता कमल कावड़िया ने प्रधान को दी। दो दिवसीय प्रतिष्ठान कार्यक्रम के लाभार्थी राजेश कुमार राहुल कावड़िया भिनाए रहे। वह सभी पधारे अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान कार्यक्रम पधारे हुए महिला पुरुष भक्त बच्चे भी भाग लेंगे। ज्ञात रहे आचार्य भगवान की यशो बर्म सूरी जी महाराज साहब का 58वां संयम जीवन का कार्यक्रम दिनांक 4 फरवरी को रखा गया है और जैनालय के जीर्णोद्वार भक्ति में सभी पधारे हुए दर्शनार्थी धर्म लाभ लेकर गुरुदेव की प्रवचन लाभ प्राप्त करें। रिपोर्ट घनश्याम।